देखें, दूसरे जंग अजीम के अहतमाम पे मई की 5 तारीख को जब नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया है सोवियत यूनियन की रेड आर्मी को, उसी दिन शाम को प्राइम मिनिस्टर विंसन चर्चिल ने एक स्पेशल टास्क फोर्स सेट की, जिसे कहा कि 15 दिन के अंदर गिव मी अ रिपोर्ट ऑफ हाउ ब्रिटेन्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इंडिया एंड द इंडियन ओशन विल बी मेट। और 2 हफ्ते बाद उनकी जो रिपोर्ट मिली उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया कि अगर हमको इंडिया के शुमाल मगरिब में, यानी वो इलाका जो इस वक्त पाकिस्तानी पंजाब और सरहद है या कश्मीर का जो है, अगर हमें वहाँ मिलिट्री बेसिस नहीं मिले टू स्टॉप द सोवियत रेड आर्मी फ्रॉम एडवांसिंग, वी आवर सिक्योरिटी गोल्स ऑफ द वेस्ट विल नॉट बी मेट। अब इसका बैकग्राउंड ये देखिए कि दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों में जो रेड आर्मी थी वो ईरान में घुस आई थी। सही। वहाँ उन्होंने 2 मुल्क इस्टेब्लिश किए, एक का नाम महाबाद था जो कुर्दिस्तानी, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कुर्दिस्तान, जो कम्युनिस्ट थे कुर्द उनका, और एक अजरबैजान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान विद इन। और इन वेस्टर्न कंट्रीज का आपके प्रेसिडेंट ट्रूमन और चर्चिल साहब को ये दहशत थी कि रूस की आर्मी ईस्ट में जापान के जो शुमाली जजीरे हैं क्यूराइल आइलैंड्स उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और विद इन 2 वीक्स रेड आर्मी जो थी उसने जापान का तमाम वो एरिया जो नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने कहते वाइप देम आउट। अमरीका और बरतानिया के पास फौज नहीं थी और रूस के पास दे हैड 2 मिलियन सोल्जर्स आर्म्ड। दूसरी जंग अजीम जंग लड़ी है रूस और जर्मनी के बीच में, ये बाकी सब तो जिसे कहते हैं शेखड़ी मेखड़ी थे, छोटी छोटी फौजें थी। इस फियर से ब्रिटेन उस वक्त वॉज अ सीनियर पार्टनर कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे वांटेड मिलिट्री बेसिस। जब इन्होंने कांग्रेस से कहा ये बात, और उस वक्त मेनन साहब और पटेल भी शायद लंदन में थे, दे आउटराइटली रिजेक्टेड इट। जब वाइसरॉय उस वक्त थे वेवल, लॉर्ड वेवल, जब जिन्ना साहब के पास बात ही आई तो जिन्ना साहब ने कहा इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम तो मुसलमान हैं, कम्युनिस्टों के वैसे ही दुश्मन हैं, और ये हिंदू जो हैं ये क्या लड़ेंगे आप, सारी फौज जो है आपकी बरतानिया की इंडियन फौज वो तो पंजाब से होती थी। इस बेसिस पे 1946 का इलेक्शन अभी नहीं हुआ था। मैं आपको दूसरी जब जुलाई 45 में इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ तो चर्चिल हार गए, एवरीवन वाज शॉक्ड। लेबर पार्टी प्राइम मिनिस्टर एटली की पहली हुकूमत बनी, और जब लेबर पार्टी के कन्वेंशन में लोगों ने पूछा कि जिसे कहते थे इंडिया वाज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, द डेलीगेट्स ने कहा व्हाई आर यू ब्रेकिंग इट अप, तो बेविन जो थे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेड दैट विदाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया, वी आर डिवाइडिंग इंडिया टू मेंटेन द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट टू थॉट सोवियत एक्सपेंशन इन द मिडिल ईस्ट। ये जो कांग्रेस का उस वक्त मसला था, कांग्रेस को जो परेशानी थी वो ये कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे 500 जो आज़ाद हुकूमतें बन सकती थी हिंदुस्तान में, जिसमें कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल, पटियाला, खैरपुर, भावलपुर, ये कलात, ये जो रियासतें थी, कांग्रेस का ये डर था कि अगर अंग्रेज इनको आज़ादी दे के वहाँ ख़ासतौर पर कश्मीर में और स्वात और ये छोटे छोटे वहाँ बेसिस इस्टेब्लिश करेगा तो क्या इंडिया कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में लिया जाए। सही। उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि ये जिन्ना साहब जो 46 का इलेक्शन लड़ने में, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे किया इलेक्शन के बाद, और जिसमें कलकत्ता में कत्ल गारत हुई, दे नेवर एस्टिमेटेड दैट जिन्ना कुड पुल दिस ऑफ। अब ये मोहम्मद अली जिन्ना की आप ये समझिए कि एज अ लॉयर ब्रिलियंस थी, लेकिन आपके क्रिमिनल डिफेंस में या सिविल लॉ सूट्स में योर लॉयर में भी वेरी गुड, बट वंस ही इज वन द केस ही डजंट गिव अ डैम अबाउट यू। यही हुआ पाकिस्तान के साथ कि आपने एक ऐसे शख्स को जो ना सिर्फ अपनी मादरी जबान गुजराती नहीं, कच्ची नहीं बोल सकता था, उर्दू नहीं, कोई नहीं, जो शराब पीता था, सुअर खाता था, एक जोरास्ट्रियन औरत से शादी कर रहा था,
उसको आपने एक इमाम की शक्ल में चूड़ीदार पजामा और शेरवानी और अचकन जूतियाँ पहना के पैकेज करके आपने डील ऑफर की कि ये है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। उन्हें क्या पैसे वगैरह मिलते थे, कितना कुछ कहते हैं उनके बारे में? ये है कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट 6 लाख रुपीज पर मंथ फनल कर रही थी फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स फॉर द मुस्लिम लीग इन द 1946 इलेक्शन। वो पैसा इस तरह था कि जो ये थे राजा महाराजा थे मुसलमान छोटे मोटे, ख़ास तौर पे निज़ाम हैदराबाद के, इनको देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा, वो फिर आगे मुस्लिम लीग को डोनेशन देते थे। इसका जिक्र अपने क्या नाम है खाकसार पार्टी के जो नाम मेरे से जा रहे, जो जिनका बेलचा सिंबल होता था पंजाब में, जिन पे जिन्ना साहब के असैसिनेशन अटेम्प्ट का भी, उनमें एहरारी भी थे खाकसारी भी थे, उनके रिकॉर्ड्स में सब है। बट उस सब को आप जाने दें, पाकिस्तान जब एक दफ़ा बन गया, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जब मौलाना आज़ाद ने फिर जाके जामे मस्जिद में मुसलमानों को एक जुम्मे के खुतबे में बहुत सख्त जबान से बात की कि अब रो रहे हो मेरे पास, अब लुटपिट के आए हो, जब मैं कहता था कि इस शख्स की बात मत सुनो कि मुसलमानों का इंटरेस्ट बंटवारे में नहीं है, अब 3 जगह जो बट गए हो, आप वो सब पढ़िए तो ये लगता है कि हिंदुस्तान ने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि ये टूट गया है। लेकिन जिन्ना साहब का घर तो बम्बई में है, फिर तो आना जाना रहेगा। कई लोग यूपी से पाकिस्तान आके फिर वापस गए और आते जाते थे, क्योंकि रेलवे ज़माने में फ्री हो गई थी पाकिस्तान से। हमने क्या किया, बजाय इसके कि कश्मीर का जो मसला था उसको हम किसी सूरत समझदारी से करते, हमारी मेंटालिटी वही रही कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं को यूँ मार देता है। हमने फ़ौज और उनको भेज दिया बीच में। ये जिन्ना साहब ऑफकोर्स पॉलिटिकली इतने दानिशमंद तो होंगे कि उन्हें समझ में आ रहा होगा कि वो लॉयर थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, और ना उनका विजन था कोई। उन्होंने इस्लामी तारीख नहीं पढ़ी थी, उनको ना उमैयदों का या अब्बासियों का पता था। वो शिया होके सुन्नियों की नमाज पढ़ लेते थे, इतना बड़ा झूठ तो ना बोले ना हमसे। मैं सुन्नी हूँ, मेरी बीवी शिया है, वो नमाज शिया के तौर से पढ़ती है, मैंने तो नहीं कहा उनसे, या वो तो नहीं मुझे कहती। ये तो ना करें ना कि आप एक्टिंग कर रहे हैं पूरी कौम के सामने कि आपका जनाजा जो है, आप शिया हैं, आपका एक प्राइवेट रस्म अलग होती है और पब्लिक में आपको एज ए सुन्नी दफनाया जाता है। कितना झूठ बोलेगी ये कौम, और उसके बाद कहेगी कि ये मैं बात कर रहा हूँ 47-48 की,